उत्तराखंड से आया हूँ मैं, बागेश्वर धाम में आया था मैं। 2.5 साल हो गए मैं आए हुए। मैं कुछ नहीं करता था, ठेली लगाता था, ये प्रसाद लगते थे सामने जी, ठेली लगाता है। आज बाबा की कृपा इतनी हुई, आज मेरा लाखों का बिजनेस है। कुछ नहीं आया था, खाली 2200 रुपये लेके आया था मैं बागेश्वर धाम। सिर्फ 2200 रुपये घर से आया था, लड़के आया था मेरे घर वालों से। मैं कुछ नहीं था, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं थे, 2200 रुपये पड़े थे मेरी जेब में। आज बागेश्वर धाम में इतनी गुरु जी की कृपा है, इतना हमारे ऊपर किसान श्रद्धा है, जो कोई मैं जानता हूँ, एक भगवान जानता है, एक मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कितनी बड़ी कृपा है इस बागेश्वर धाम में। कहते हैं दिखाने से कोई कृपा नहीं होती, करने वाला होना चाहिए, भाप में पैदा होने वाला चाहिए बस। लहसुन ये कहते हैं ना, जो अर्जी होती है ना, इन अर्जियों को मान के चले, इन अर्जियों को प्रेश करें तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, बहुत कुछ मिलेगा। हमें इन अर्जियों को प्रेश करा, लहसुन प्याज मदरा भात सब चीज़ बंद करी, परिकम्मा लगाए, पेशी करी, बाबा से बात करने की कोशिश करी। आज मेरे 2.5 साल हो गए, गुरु जी से मेरी बात नहीं हुई है। वैसे बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, गुरु जी खुद बोलते हैं हमसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो कहते हैं हमारे चक्कर में दूसरों को आराम मिले। अब हम सीधे बालाजी महाराज हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं हम तो। आस्था में गुरु जी तो मैं चाहता नहीं, गुरु जी तो हमारे यहाँ के पर्चा बने, कभी ज़िंदगी में ना बने, हम तो कह रहे हैं हमारे पास गुरु जी का आशीर्वाद रखे, राम राम होते रहे, जय श्री राम, जय बागेश्वर। अच्छा ये बताइए कि जब आप ढाबा आपका है? हाँ जी, सिया राम की दुकान है। आप बता रहे कि 2200 रुपये आप लेके आए थे, आज कितने का कारोबार है? आज मेरा लाखों रुपये कारोबार है, 4-5 लाख रुपये सामान। इनकम डेली इनकम कितनी? डेली इनकम मेरी 30-35 हज़ार रुपये इनकम है। मंगलवार को तो 1 लाख खान हो जाती है मेरी बाबा की कृपा से। आज मंगल हल्का गया, आज पूर्णमासी थी, वो अमावस्या है, तो आज कारोबार तो नहीं हुआ है, फिर भी आशीर्वाद पूरा है। देने वाला मालिक, लेने वाला भी मालिक। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मेरा पर्चा बन जाए और परेशान रहते हैं कि पर्चा नहीं बना, गुरुदेव महाराज जी से मुलाकात नहीं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो पर्चा बनवाना ना बनवाना ये तो इंसान की प्रॉब्लम होती है। किसको नहीं पता होता दादी बाबा का नंबर, नाम वाम किसको नहीं पता होता, हर किसी को पता होता है। ये इंसान की दिल की वो होती है, भावना होती है ना जागने की, वो इसी चक्कर में कहते हैं हमें गुरु जी क्या सच बता रहे हैं क्या झूठ बता रहे हैं, जब पूछने की लोगों को योग होते हैं, पर हमारे अंदर नहीं है। कहते हैं ना भगवान को अगर मानना ना तो दिल से मानो, ऐसे खोट से मत मानो। हमें राम राम की माला जब रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ा, दूध उगला अरे भैया देख लीजिए, कोई बात नहीं, पूजा करना है ऐसे ही करना, पूजा करो दिल से भाव से करो तो भगवान दे। भगवान को देखने के लिए आँखें होनी चाहिए, देखने के लिए बस मन होना चाहिए मन। आज मैं 2200 रुपये लेके आया था, मैं जानता हूँ, मेरा बाबा जानता है इस बागेश्वर धाम में, और मेरे सेवादार जानते हैं हाँ भाई कैसा हुआ था। मैं आया था कुछ लेके नहीं आया था, मैं सच बोल रहा हूँ मैं बाजू जी, मैं बस बाबा की कृपा है जो है। कि लोग YouTube पे जो वीडियो देखते हैं उनके अंदर ये आशंकाएं होती हैं, ये उनके अंदर ये होता है कि पता नहीं सत्य है कि नहीं है, जो वीडियो दिख रहा है वो सही है कि नहीं है, ये सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब जी ना हमारे यहाँ के छोटे छोटे ये यूट्यूबर हैं, छोटे छोटे चैनल वाले हैं, बुरा मत मानना आप भी, छोटे छोटे यूट्यूबर छोटे छोटे चैनल, मेरा बड़ा चैनल नहीं, आपको मैं समझ रहा हूँ, आपका मैं चैनल देख रखा है, मैं लाइव भी करता हूँ, सब्सक्राइब भी करता हूँ आपका चैनल। मेरे छोटे छोटे चैनल ना, छोटे छोटे चैनल ना यूट्यूबर और जो लाइक है, जो फर्जी फर्जी वीडियो बनाते हैं, उनको विरोधी बना रखा है गुरु जी को जी। बहुत तगड़ा विरोधी बना रखा है। इस टाइम इतना विरोध चल रहा है गुरु जी के बारे में, कुछ पूछने की नहीं। मैं हाथ जोड़ के विनती ये कर रहा हूँ, कोई गलत काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो है सिर्फ बालाजी की कृपा है। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, बात याद रखना, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप बालाजी पे भरोसा? हाँ बस गुरु जी में, हम तो देखो एक गुरु जी पे भरोसा करना, हम तो गुरु जी मानते हैं, गुरु हैं हम मानते हैं, पर हम गुरु मानते हैं दिल से मानते हैं, गुरु कभी भगवान नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ गुरु गुरु ही रहेगा, पर बालाजी पे भरोसा रखो, सब ऊपर वाला ही करता है। क्यों चढ़ को पकड़ो, फुंसी को क्यों पकड़ रहे हो आप, चढ़ को पकड़ो ना। वो बागेश्वर धाम की, वो सन्यासी बाबा की, वो दादा गुरु की, जय जय श्री राम।